कुछ फेंकी हुई चीज़ों से आप एक बहुत ही सुंदर स्प्रिंकलर टर्बाइन बना सकते हैं। इसके लिए कागज़ की पट्टी, स्ट्रॉ, साइकिल का स्पोक, टेप आदि चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉ लें और उसको बीचों बीच में मोड़ें। उसके बाद में उसमें एक साइकिल स्पोक से एक छेद करें और साइकिल स्पोक को धंसाएं। फिर स्पाइक साइकिल स्पोक से करीब 3 सेंटीमीटर बाएं और 3 सेंटीमीटर दाएं छोड़ करके 2 आधे कट लगाएं। और फिर स्ट्रॉ के दोनों सिरों को मोड़ करके एक त्रिभुज बनाएं और उसको टेप से चिपका दें। टेप का उद्देश्य है कि ट्रायंगल का आकार बरकरार रहे। उसके बाद एक रिफिल के ऊपर एक तार को कई बार मोड़ करके 10-12 बार मोड़ करके एक स्प्रिंग जैसी बनाएं और इस स्प्रिंग को आप फिर रिफिल से बाहर निकाल लें। स्प्रिंग के 2 सिरे होंगे, उनको आपस में मरोड़ दें और मरोड़ने के बाद में उनको एक बार और मोड़ें, फिर पुनः मोड़ें। एक जेड शेप का बन जाएगा और जो अंतिम सिरा है उसको एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ के साथ में टेप कर दें। पर ये पीली वाली जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है इस में से आप फूंकेंगे और ये जो स्प्रिंग बनी है इसके अंदर साइकिल की स्पोक चली जाएगी। अब इतना तो पूरा हुआ, उसके बाद में एक लंबी मोटे कागज़ की पट्टी लें और इस पट्टी को आप बिल्कुल फैन फोल्ड में जिग जैग करके मोड़ें, जिससे एक नालीदार चादर जैसी बन जाए। उसके बाद में आप उसे खोलें और खोलने के बाद में उसमें एक और गोंद लगाएं। हम लोग ये रबर का फेवी बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं जो एक बहुत ही अच्छा गोंद है। थोड़ा सूखने के बाद में आप उसको चिपका देंगे और गोल मोड़ेंगे तो बिल्कुल एक फूल जैसा या एक टर्बाइन जैसा बन जाएगा। टर्बाइन को भी आप चिपका दें और इस टर्बाइन का जो बीच वाला हिस्सा है उसको आप साइकिल की स्पोक में डालें और डालने के बाद में उसको स्पोक के साथ में मजबूती से गोंद से चिपका दें। अब बिल्कुल आपका स्प्रिंकलर तैयार है। उसको फूकेंगे तो फूंक से टर्बाइन घूमेगा और उससे स्प्रिंकलर घूमेगा। उसको पानी के मग में रखेंगे तो पानी भी चारों तरफ फैलेगा, बिल्कुल एक स्प्रिंकलर जैसा। ये एक बहुत ही सरल और मज़ेदार खिलौना है। इसके लिए बस चंद आसपास की फेंकी हुई चीज़ें लगती हैं और आप इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे और इसको से खेलने में आपको बहुत मज़ा आएगा।